हेलो ट्रेडर्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट गाइस। तो चलो देखते हैं कल के दिन मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं और बेस्ट स्टॉक कौन से हो सकते हैं। उससे पहले ये देखो, मैंने कल एक लेवल बताया था आपको और बोला था कि मार्केट ने काफ़ी साफ फॉल दिखाया और अगर यहाँ अप्रोच करता है तो हम लोग सेल ऑफ का प्लान करेंगे जब तक इस रेंज के नीचे रहता है। बाइंग का प्लान हम इसके ऊपर ही करेंगे और गाइज इसके ऊपर ही पहली 5 मिनट की कैंडल ने क्लोजिंग दी और मेरी एंट्री आज 5 मिनट के कैंडल पे ही थी। ठीक है, तो आज ये काफ़ी अच्छा टारगेट अचीव हुआ और ये रेंज भी मार्क कराया था मैंने येलो वाला और वहीं से मार्केट ने रिवर्स किया। ठीक है, तो ये रेंज आज ट्रेड का था, यहाँ पर एक मौका मिला हमें ट्रेड करने के लिए जैसे ही सपोर्ट लिया इसके ऊपर। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, फिर हम देखते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो निफ्टी से बिल्कुल उल्टा हुआ, निफ्टी में हमें इसके ऊपर बाइंग के मौके मिले थे आज, लेकिन मैंने आपको कहा था इस रेंज के नीचे अगर बैंक निफ्टी में रहता तो सेलिंग के मौके देखेंगे। तो ये देखो काफ़ी अच्छा सेलिंग का मौका मिला यहाँ से। हम लोग पहली कैंडल पे क्यों सेल नहीं कर सकते थे, क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता, कहीं यहाँ रखना पड़ता हमें, ठीक है, या कहीं यहाँ रखना पड़ता, लेकिन ये देखो अगर आप रखते ना सबसे बेस्ट यहाँ स्टॉप लॉस होता। सो यहाँ पर वेट करने का फ़ायदा था और स्टॉप लॉस यहाँ छोटा सा मिलता है इतना सही, और टारगेट काफ़ी बड़ा सा मिलता है यहाँ तक का। ऑल्दो यहीं से रिवर्स हो गया मार्केट, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट तब भी हमें हुआ। ठीक है, आई होप आप लोगों ने आज ट्रेड किया होगा। हम देखते हैं बेस्ट स्टॉक टू ट्रेड फॉर टुमारो एंड इंपॉर्टेंट लेवल्स। यहाँ पर एक प्राइज एक्शन देखो, यहाँ पर इस लेवल के ऊपर कंसोलिडेशन देख पा रहे हो आप ये चीज़। तो ये रेंज हमने पूरा का पूरा मार्क कर लिया है। ठीक है, इसके ऊपर हमें बाइंग के मौके ज़्यादा देखने हैं और इसके नीचे एक अच्छा सेल ऑफ आ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी है इसका। ठीक है, अगर ये टूटता है तो यहाँ अगर इसके नीचे प्राइज एक्शन दिखाता है तो सेल ऑफ के मौके ज़्यादा अच्छा मिलेंगे, लेकिन इसके ऊपर हमें बाइंग के मौके ज़्यादा देखने जब तक मार्केट ऊपर है। तो यार ऊपर के टारगेट कौन कौन से आपके अचीव हो सकते हैं, तो ये देख लो, ये अचीव हो सकता है, ये अचीव हो सकता है। अगर यहाँ बाइंग होती है तो ये अचीव हो सकता है, फिर ये अचीव हो सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर निकलते हैं तो फिर ये अचीव हो सकता है। ये दोनों लेवल क्या है मैंने कल वाले मार्केट एनालिसिस में बताया था, तो पीछे जाके देख लेना, बार बार बताने से टाइम वेस्ट भी होता है। ठीक है, और अगर आप सेल करते हो, मान लो यहाँ सेल किया तो पहले ये अचीव हो सकता है, दूसरा ये अचीव हो सकता है, अगर यहाँ सेल किया तो ये अचीव हो सकता है। ठीक है, इन लेवल्स को ध्यान रखना, इन लेवल्स के ऊपर आपको प्राइस एक्शन देखना है, देन सेल ऑफ का प्लान करना है। ठीक है, और नीचे की साइड अगर रिवर्सल का भी प्लान करना है, बाइंग का भी प्लान करना है, तो जैसे डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बनता है ना, तो देखते हुए हम रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी कम रखेंगे एज की मैंने कहा, जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे रहेगा तब तक। ठीक है, तो ये सारे लेवल आप मार्क कर लो, ये रेंज भी मार्क कर लो। ठीक है, चलो अब देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। मैं आपको बोलूँगा जब तक मार्केट इस रेंज में रहता है ना, जो आज पूरा कंसोलिडेशन हुआ है, तो बिल्कुल भी ट्रेड मत करना इस रेंज के अंदर, ट्रेड लेना ही मत। जब तक इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं प्राइस एक्शन देखते हुए, और सेलिंग का हम जो आज का लो है ना उसके नीचे ही प्लान कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये रेंज कल काफ़ी खतरनाक हो सकती है, यहाँ ट्रेड करना बेकार है एज अ ऑप्शन बायर, और एक ऑप्शन सेलर के लिए अच्छी रेंज है वो। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन बायर के तरीके से या फ्यूचर में ट्रेड करते हो तो मत लेना। ठीक है, आपको मूवमेंट की ज़रूरत है जो आपको इस रेंज के बाहर ही मिलेगी, तो ये रेंज मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है इसकी रेंज, आप ये मार्क कर लेना। ठीक है, और नीचे की ओर मैंने बता दिया आपको, आज के लो के नीचे ही सेल ऑफ कर सकते हैं, और अगर सेल ऑफ करते हो तो नीचे के लेवल आपको दिख सकते हैं। ऐसा सच कोई ज्यादा सपोर्ट दिख नहीं रहा, लेकिन प्रॉफिट जरूर बुक करना जैसे ही ट्रेड लेते हो आपकी डायरेक्शन में जाए। और ऊपर का लेवल आपको ये दिख सकता है और फिर ये दिख सकता है अगर आप बाइंग का प्लान करोगे इसके ऊपर, तो हमेशा इसके ऊपर बाइंग के प्लान करना, लेकिन मार्केट ज्यादा दूर निकल जाए, ज्यादा गैप अप खुल जाए, तो हम एक रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं, जस्ट लाइक सीइंग एम पैटर्न। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ये दोनों लेवल मैंने कल ही बताए थे आपको मार्केट एनालिसिस में क्या है, तो कल वाला भी वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ये सारे लेवल मार्क कर लो आप। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम चलते हैं बेस्ट स्टॉक के लिए। एक्स इंडिया को हम एनालाइज करेंगे, दूसरा एस्ट्रल पाइप और तीसरा केएसपी। तो चलो एक एक करके करते हैं। तो कहाँ से बाय करने का प्लान करना चाहिए आपको, अगर ये 79 के ऊपर सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है ना, तो आप पहला टारगेट आज का हाई रख सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस 1 से 1.5 रुपये का, बाकी मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर लेना। ठीक है, एस्ट्रल के अंदर क्या करना है, अगर ये भाई जो आज का इसका हाई है ना, आई थिंक हाई जो इसका 2186 है, यानी कि 2187 के ऊपर अगर ये निकलता है तो अच्छा बाइंग हम लोग कर सकते हैं। क्यों, अगर आप देखो तो ये काफ़ी दिनों से फॉल करता हुआ डब्ल्यू पैटर्न बना करके ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट दे रहा है, और अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है ना, तो ये टारगेट हो सकता है पहला हमारा जो इसका ये हाई है। ठीक है, तो स्टॉप लॉस कितने का रख सकते हैं हम लोग, स्टॉप लॉस रख सकते हैं भाई, इसमें अब ज़्यादा रखना पड़ेगा,
8 से 10 रुपए का स्टॉप लॉस हो सकता है, और मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी देख लेना, टारगेट डबल रख सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपकी डायरेक्शन में जाए थोड़ा प्रॉफिट जरूर बुक करना है। केएसबी भाई बहुत अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, अगर ये इसके ऊपर निकलता है ना जो ये वाला लेवल है, तो हम लोग एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल नवंबर का है 2021 का, ठीक है। तो स्टॉप लॉस कितना रख सकते हैं इसके अंदर, हम लोग 7 से 8 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो लास्ट स्टॉक बताया ना जो 2100 का था, उसके अंदर आपको थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा, 12 से 14 रख लेना उसमें, ठीक है, स्टॉप लॉस, और इसके अंदर 7 से 8 रुपए। टारगेट डबल रख सकते हो और बीच बीच में जरूर बुक करना जैसे आपकी डायरेक्शन में जाए, ठीक है। तो ये देखो काफी अच्छा स्टॉक है, ब्रेकआउट से पहले बता रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकआउट आने के बाद काफी धमाकेदार मूवमेंट हो सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना।